أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله سنة الله في خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليم
يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हूँ गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। कयामत तक जगाएंगे ना फिर मुनकर नकीर को, कयामत तक जगाएंगे ना फिर मुनकर नकीर को, लहद में वो जिसे अपना रुखे देवा दिखाएंगे, करम की जब नजर होगी
मदीने हम भी जाएंगे, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल, कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। इस नाशिक से हटकर एक शेर बयान कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। सबा जाना मदीने में तो आका से फकत कहना, सबा जाना मदीने में तो आका से फकत कहना, इजाजत हो शहे बतहा तो साइल बार बार आए, इजाजत हो शहे बतहा तो साइल बार बार आए, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम नवाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताबुन से देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। हमारे साथ मौजूद होते हैं उलमाए किराम, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। आज के प्रोग्राम के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है माह रमज़ान की मुनासबत से, वो इंतहाई अहम मौजू है यकीनन, जो अल्लाह ताला को अपने बंदों से मतलूब है। जैसे कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक में खुद फरमाया कि रोज़े का मकसद जो है वो लअल्लकुम तत्तकून, यानी कि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी और मुत्तकी होने का ये सफ़र किस तरह से इख्तियार किया जा सकता है, वो कौन कौन से औसाफ, वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनको अपने अंदर पैदा करके अपनी शख्सियत में शामिल करके हम खुद को एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान बना सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने आज के प्रोग्राम में दावत दी है, आप मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी कौमी और बैनुल अक्वामी कंपनीज में फोरम्स पर आप लेक्चर्स देते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह खुदादाद सलाहियतों से नवाज रखा है। आप मुसन्निफ भी हैं, बच्चों के लिए कहानी भी लिखते हैं, बल्कि मैं इसमें एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के इस सेंस में, इस तर्ज के मुनफरिद बच्चों के लिखारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तसर तर्ज की कहानियों को फ़रोग दिया है। यानी गोया अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियतें दे रखी हैं कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। बहुत ही खूबसूरती से अपनी तहरीर और तकरीर दोनों में अपनी बात को समझा देते हैं। हकूमती इदारों में और गैर सरकारी इदारों में आप तरबियत के फ़राइज़ गुज़श्ता एक दहाई से सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब ख्वाजा मज़हर नवाज सिद्दीकी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ सर आपको अपने प्रोग्राम। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक, अल्लाह ताला का बाबरकत महीना और उसकी इनायात का महीना बड़ी तेज़ी से हमसे गुजरता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात की तरह लगता है कि
रमज़ान मुबारक की आमद आमद थी सर, और इसकी तैयारियां थी, एक जोश व खरोश था। अब ये दिन हमसे रुखसत हुए जा रहे, आखिरी अशरे का भी इख्तिताम है, क्या फरमाएंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुहान दानी साहब और आरपी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदु किया और मुझे बयान की जो सलाहियत मेरे पास है उसका इजहार का एक मौका अता फरमाया। देखिए, रमज़ान जो है अल्लाह ताला का मेहमान है और ये हम पर एक रहमत का साया बनकर आता है और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। आप तौबा कर सकते हैं इस पैकेज में, आप माफ़ी ले सकते हैं इस पैकेज में, खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, रजामंदी हासिल कर सकते हैं, अपने नफ्स की तरबियत कर सकते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, नेकियों का अंबार लगा सकते हैं, सदका और खैरात कर सकते हैं, आप रातों को जाकर सजदा कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, आप जिक्र और अस्कार की मजलिसें सजा सकते हैं, आप सहर और अफ्तार के औकात हैं जो अल्लाह से मुनाजात कर सकते हैं, आप अल्लाह से अपनी हाजात पूरी कर सकते हैं, आप सहर का भी बंदोबस्त करें, पार्टी कर सकते हैं, अफ्तार में भी पार्टी कर सकते हैं, गुरबा को, मसाकीन को, कराबतदारों को, अजीजों को मदु कर सकते हैं, अच्छे मेजबान बन सकते हैं, यानी अपनी बिसात बाहर समेट लें जहां से जितना आप। ये बहुत बड़ा पैकेज है, ये ऐप हम इंस्टॉल करें और इससे मुस्तफीद हों इस पैकेज को। देखें, अभी मैं कहता हूँ कि गुलगश्त में या कैंट में एक कंपनी आई है, वो 400 का मर्दाना सूट दे रही है और 400 में जूता भी दे रही है, 1000 वाला सूट है जो 400 में, जो तो लोग भागे जाएंगे। तो ये भी लूट सेल लगती है रमजान में। क्या बात, बेशक। ये होश व अकल वाले लोग जो हैं, जो फहम फरासत रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं, उनके लिए लूट सेल है। इस महीने की प्लानिंग करनी चाहिए, इस महीने को हमने कैसे गुजारना है। हमने रमजान मनाना नहीं है, सही है, सेलिब्रेशन नहीं करनी, हमने रमजान को रूह में उतारना है। तो ये एक तो मैं समझता हूँ मोमिनीन के लिए, अल्लाह के ऊपर जो ईमान लाते हैं, रसूल सल्लम पर जो ईमान लाते हैं, ये तो खुशखबरी का महीना है। देखिए, इससे बड़ी और क्या खूबियों के जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं रोजेदार के लिए। अच्छा, हर सवाब हर अमल पर अजर है और उसकी एक लिमिट है। इस रमजान में तो अजर की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना नेक अमल कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा सवाब है। यानी 10, एक आप अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकी है, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकी है, अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो 30 नेकी है। तो इसकी तो नेकियों की लिमिट ही नहीं है, इतनी नेकी है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। इसमें तो ये महीना अल्लाह का है, रोजा मोमिन का अल्लाह के लिए होता है और इसका अजर भी अल्लाह के जिम्मे है। बस ये तो लूट सेल लगी है, अब हम अगर कमर कस लें और नियतों को दुरुस्त कर लें और अपने आप को चौकस रखें, अपने ये जो 29-30 दिन है इनको, यानी ये जो समझे कि गलत इरादों में, गलत ख्वाहिशों में, फजूल कामों में जाया ना करें, बल्कि पूरे साल की जो हमारी जो नफ्स की तरबियत है वो इसे एक महीने में हो जाती है, बदन की जो तरबियत है वो इसे एक महीने में हो जाती है, रूह की जो तरबियत है वो इस महीने में हो जाती है। अमल के लिए जितना अच्छा अमल, नेक अमल करना चाहें तो इसमें ये तरबियत का महीना है, ये अपनी रूह को, जहन को, दिल को, दिमाग को न्यू इंस्टॉलेशन करने का, रिफ्रेश करने का, रीस्टार्ट करने का महीना है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से और जदीद दौर की, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए जो मौजूदा दौर की जदीद टर्मिनोलॉजीज हैं, तमसीलात हैं, उनके जरिए से आपने बड़ी खूबसूरती से वजाहत फरमाई है। माफ कीजिएगा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस महीने के आगाज के साथ ही बड़ी कसरत से कुरान हकीम की आयत का हवाला दिया जाता है, जैसे है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हम टेलीविजन प्रोग्रामों में, उलमा की तकरीरों में हर जगह सुनते हैं कि ये रोज़े का जो मकसद इस आयत के अख्ताम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम परहेजगार बन जाओ। तो जैसे आपने फरमाया कि ये तरबियत का महीना है, अब ये परहेजगारी की तरबियत हमें हासिल करनी है, लेकिन उस तरबियत को हासिल करने के लिए वो हमारे टारगेट्स क्या हैं, मकासिद औसाफ़ तो ये फरमाइएगा, फिर मैं आपसे ये भी जानूंगा कि अब वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि हमारी मंजिल क्या है, वो कौन कौन से औसाफ़ हैं जो हमें पैदा कर रहे हैं। देखें, ये जो तकवा है ना, आम तौर पर जो हमारे इल्म वाले लोग हैं, आलिम हैं, वो ये कहते हैं अल्लाह का डर पैदा करें। अब अल्लाह का डर जो है वो किन मानों में वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का डर की बजाय अगर अल्लाह का शौक रख लें,
और क्या बात, तो मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप किसी से डर के अमल करेंगे तो वो शौक नहीं बनेगा। हाँ, वो शौक नहीं बनेगा। अल्लाह, बाद लोगों का ख्याल ये कि अल्लाह मियां चिमटा लेके बैठे हुए हैं और वो पकड़ पकड़ के जहन्नम में डाल रहे हैं, जहन्नम में डाल रहे हैं। जो नाफरमान हैं, सरकश हैं, ना मानने वाले हैं, बिगड़े हुए हैं, उनको डाल, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमत जो है वो इस वक्त जोश का आ रही है इस माह मुकद्दस में। अल्लाह ताला को तो बड़ी खुशी होती है कि एक शख्स है वो सहरा में जा रहा है, शहरा में जा रहा है और उसका सवारी भी है, ज़ादे राह भी है, खाना पीना भी है, पानी भी है उसके पास, सोने के लिए बिस्तर भी है उसके पास। वो उसकी आंख लगती है तो वो जब उठता है तो देखता है उसकी सारी चीजें गुम हो चुकी हैं, ना पानी, ना खाना, ना बिस्तर, ना सवारी। वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा परेशान होता है। वो इधर देखता है, इधर देखता है, वो फिर ढूंढना शुरू कर देता है। वो तलाश में सरगर्दा रहता है, थक जाता है, फिर वो सोता है, उसकी आंख लगती है, जब उठता है तो देखता है सारी चीजें आई हुई है। वो इतना खुश होता है, वो कहता है वाह, तू, मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, खुशी में, खुशी में। तो अल्लाह हो गया, पता भी नहीं कितनी खुशी थी। सेम फीलिंग्स, कि हर चीज खो गई थी, अब हर चीज मिल गई। मायूस हो गया था, परेशान हो गया था, मौत सामने खड़ी थी, एकदम जिंदगी की फिर से बहार आ गई, हर चीज मिल गई। तो वो जो खुशी की जो उस वक्त की फीलिंग्स है ना, एहसास है, रब की यही फीलिंग्स होती हैं जब वो तौबा के लिए रब के आगे हाथ फैलाता है, आंसू बहाता है, अपनी पेशानी को जमीन पे बिछाता है। तो अल्लाह ताला तो रहमत है, अल्लाह की रहमत बेपनाह है। हम ना असल में, हमारा रब जो है ना, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने रब को ना तरजीहात में शामिल किया। हमारी पहली तरजीह अगर हमारा रब बन जाए तो फिर ये दुनिया के बहुत सारे मसाइल जिनमें हम फंसे हुए हैं ये खत्म हो जाए। तो अल्लाह को तौबा करना पसंद है। जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई थी और वो कहता तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, अल्लाह भी बंदे को ऐसे कहता है तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा। तो ये महीना तौबा का है। तो अल्लाह का डर से मुराद यह है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जाए, उससे उसकी बंदगी इख्तियार की जाए। और तकवा कहते किसे हैं, उसका यह है कि आप ने तीन चीजें हों और तीन चीजें ना हों। अच्छा, पहली चीज आप ये औसाफ की तरफ आ रहे हैं, मुत्तकी शख्स, मुत्तकी शख्स। तकवा ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह से डरा जाए, कि खबरदार हुआ जाए, कि उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसकी सरकशी ना की जाए। ये अल्लाह का डर है। और अल्लाह का शौक अपने दिल में रखा जाए, उसको अपनी पहली तरजीह बनाया जाए। और मुत्तकीन कौन होते हैं, वो जो अदल को इख्तियार करते हैं, कि हर बात पर तस्लीम रजा, मौला तेरा जैसे हुक्म, मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया, अल्लाह तेरा हुक्म, याकूब अलैहिस्सलाम को दे दे। क्या बात, सही है। उसके मरने की खबर आ गई यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कोई बात नहीं, तो है अदल, ये अल्लाह की मर्जी यही थी। मैंने तगड़ा माँ जो है वो राजी भी होना है, फिर अदल को भी करना है। अदल यही है ना, तस्लीम रजा, कि मेरी, मेरा बाजू एक्सीडेंट में उतर गया है अलग से, मैं राजी हूँ, ठीक है, शिकवा शिकायत नहीं, अब मैं अदल यही है कि मैं अल्लाह के अदल पर राजी हूँ, अल्लाह जो कर रहा है ना मेरे साथ ठीक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अलम किसी के साथ बुरा नहीं करते। ये जो बुरा होता है ना, ये हमारी अपने हाथों की कमाई है, हमारी अपनी गलती है, अपनी कोताही है, हमारी अपनी गफलत है, हमारी अपनी सुस्ती है, हमारी अपनी नादानी है, हमारी अपनी कोताही है, उसकी वजह से हम पर वबाल आता है, अजाब आता है, तकलीफ आती है। अदल को इख्तियार करना, एहसान करना, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, अदल, एहसान, दो हुई पहले। हाँ, खौफ, अदल, एहसान और कराबदारी का हुक्म देता है। अच्छा, हाँ जी, तो खौफ तो जो है वो अल्लाह का अपने दिल में रखे, जो जिसे आपने शौक, शौक से, शौक और खौफ रखे, मगर मुत्तकी के औसाफ तीन चीजें हैं, जो तस्लीम और रजा, अदल, अदल, एहसान, एहसान और कराबदारी, कराबदारी का हुक्म दे, ठीक है। और तीन चीजों से बचे। मुझे एक कतकलामी का मजा चाहते हो, मुझे चंद लम्हों की इजाजत दीजिएगा, हमने ब्रेक पर जाना है, फिर वो तीन चीजें आपसे पूछता हूँ जो नहीं करनी। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं तकवा या मुत्तकीन के औसाफ कैसे हैं, तकवा कैसे पैदा किया जा सकता है। आपने सुना कि ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तीन मेन चीजें हैं ये अपने अंदर, अपनी शख्सियत में शामिल करनी है, यानी अदल, एहसान और रिश्तेदारी यानी कराबदारी का हुक्म देना। और अब ब्रेक पर जाएंगे, उससे वापिस आएंगे और ख्वाजा साहब से जानेंगे कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जिनको इख्तियार नहीं करना। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ जहाँ से नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको एक दफ़े फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए अपनी और अपने इदारे की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत लम्हात में और इफ्तार के इन खूबसूरत घड़ियों में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में हमें, हमारे इदारे को, उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इसके मौजूदा हालात के हवाले से ज़रूर दुआ करें। नाज़रीन, हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं मुत्तकीन के औसाफ पर। ब्रेक से पहले हम ख्वाजा साहब से जान रहे थे कि वो तीन खूबियों के बाद वो तीन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी शख्सियत में शामिल करने से हमें रोकना है और जिनको इख्तियार ना करके हम तकवा के सही रास्ते पर अपनी शख्सियत को और अपने आप को लेकर चल सकते हैं। तो ख्वाजा साहब फरमाइएगा, आपने फरमाया था कि तीन चीज़ें हैं जिन्हें इख्तियार नहीं करना। मुत्तकी उस शख्स को कहते हैं जो अदल, एहसान और कराबतदारी को हुक्म दे और नापसंदीदा और यकीनी बात है कि खुद भी इख्तियार करे। हाँ जी, नापसंदीदा, बेहयाई और सरकशी के कामों से खुद को रोके। अच्छा, ये दो तीन चीजें हैं। नापसंदीदा अल्लाह के नबी की नापसंदीदा, यानी जो अल्लाह ताला ने हदूद है उसको तोड़े नहीं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना किया, नापसंदीदा, बेहयाई और सरकशी। सरकशी बड़ी जालिम चीज है। सरकशी को लोगों ने समझा नहीं है। सरकशी का बहुत नुकसान होता है इंसान को। और अगर वो सरकशी थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें, सरकशी ये है कि रब को चैलेंज करना है, अल्लाह उसको चैलेंज करना है, उसको गुस्सा दिलाना है, उसको नाराज करना है, उसको बराह रास्त मुखातिब होना है, ये सरकशी है। एक है बंदा गुनाह करता है, शर्मिंदा होता है, पेशानी को झुका देता है, जमीन पे रख देता है, तौबा करता है, आंसू बहाता है, माफी। एक सरकश जो है ना वो खुला बागी होता है, खुला बागी होता है। आप इसको और ज्यादा वाजे करो। इसलिए मुत्तकी शख्स वो होगा जो अदल को, एहसान को, कराबरदारी का हुक्म देगा, और दूसरा वो नापसंदीदा, सरकशी और जो खुला खुला आप कह रहे हैं नापसंदीदगी, सरकशी और बेहयाई से रहेगा। ये है। इसमें बाद आप अगर औसाफ का सवाल करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा औसाफ है। सीधा आपने ये उसका खुलासा, उसमें देखें मुत्तकी के जो पहली सिफ्त ये है कि वो ईमान रखता हो। वो सबसे पहले गैब पर ईमान रखता हो। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने क़यामत को नहीं देखा, हमने जन्नत जहन्नम को नहीं देखा, हम रसूल सल्लम को नहीं देखा, हमने सहाबा को नहीं देखा, हमने जंगे बदर नहीं देखी, जंगे खदक नहीं देखी, हम ताइफ नहीं गए, हमने रसूल सल्लम को पत्थर खाते नहीं देखा, लहूलुहान होते नहीं देखा, हमने मदीने की गलियां नहीं देखी, मदीने का तसव्वुर नहीं देखा, हमने बकर, उमर, उस्मान को नहीं देखा रज़ी अल्लाह अन्हु, हमने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को नहीं देखा, हमने आयशा को नहीं देखा रज़ी अल्लाह अन्हा को, अनुमा को, हमने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा को नहीं देखा, अहले बैत को नहीं देखा, मगर हम उन सब पर ईमान। ये गैब है। हम अल्लाह पर ईमान रखें, गैब पर ईमान रखें। अल्लाह पर क्या ईमान रखें कि अल्लाह ही इस कायनात का वाहिद, अकेला खालिक और माबूद है। खालिक और चीज है, माबूद और चीज है। ठीक है, ठीक है। खालिक वो है जो क्रिएट करता है, चीज को पैदा करता है। तो अल्लाह ने ही ये कायनात पैदा की है। ठीक है, अल्लाह ने ही मुझे पैदा किया, अंबिया और रसूल अल्लाह ने पैदा किया। ये जितने जानदार हैं, मैं पढ़ा था अब तक 18,000 मखलूकात साइंस पहुंच चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। तो 18,000 मखलूकात का रब भी वही है जिसने मुझे आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। ठीक है, अल्लाह पर ईमान, गैब पर ईमान, उसके जो आसमान से किताबें उतारी है उसने, किताबों पर ईमान, किताबों पर ईमान है। फिर रसूलों पर ईमान, रसूलों पर ईमान है। फिर तकदीर पर ईमान, आखरत के दिन पर ईमान। फिर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। ठीक है, और साथ साथ आपको इस बात पर भी ईमान रखना चाहिए कि मैं कल क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा। ये ईमानियात में एहसास आखिरत में जवाब नहीं, ये औसाफ है। अगर ये ईमानियात दुरुस्त होंगी तो आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। मुत्तकी शख्स जो है ना वो सच बोलने वाला होगा, वो सच्चा होगा। मुत्तकी शख्स जो है वो वादा पूरा करने वाला होगा, वो अहद को तोड़ेगा नहीं, वो बहाने के तौर पर वादा करके मुकर नहीं जाएगा, वो वादा देकर पीछे नहीं हटेगा। मुत्तकी शख्स सच्चा भी हो, मुत्तकी शख्स जो है वो अहद निभाने वाला भी हो, मुत्तकी शख्स जो है वो रातों को जाग कर नमाज पढ़ने वाला भी हो। ये पांच नमाजें तो सब पर फर्ज है, मगर अल्लाह का कुर्ब जो है ना, अल्लाह का जो कुर्ब है वो रात की तहज्जुद की नमाज में होता है। जज़ाकअल्लाह ख्वाजा साहब। अच्छा, ये फरमाइएगा, प्रोग्राम का वक्त हमारा महदूद है और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये जो आपने औसाफ बयान फरमाए हैं, अब एक शख्स है जो उसे समझ आ गई और दिल में शौक भी पैदा हो गया
कि वो चाहता है कि अपने अंदर ये सारी खूबियां जो है वो पैदा हो जाएं, जिससे अल्लाह ताला, मकसद ये है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अब अपने अंदर ये हिम्मत कैसे पैदा, तैयार कैसे किया जाए, यानी समझ नहीं आ रही, शुरू कैसे किया जाए, कैसे अपने अंदर ये औसाफ पैदा किए जा सकते हैं? देखिए सर, इसके लिए किसी खास घड़ी का तो इंतजार नहीं करना। जब तक मैं जवान हूँ मैं तौबा नहीं करता, जब तक मैं सेहतमंद हूँ मैं अल्लाह के रास्ते पर नहीं आता, मैं सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं आता। ये तो किसी भी लम्हे आपको एहसास हो गया है कि मेरी जिंदगी गफलत में गुजरी है, सुस्ती में गुजरी है, लापरवाही में गुजरी है, अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो वो लम्हा है कि इंसान तौबा कर ले, फौरन ही आ जाए, वो तौबा कर ले और फिर आकर अच्छी अच्छाई के रास्ते को, जो हर अच्छा रास्ता अल्लाह की तरफ ले जाता है जी, हर खैर और भलाई का रास्ता जो है ना वो अल्लाह की तरफ ले जाता है, तो इसलिए वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, रुजू इल्लल्लाह कर ले। इसकी शर्त यही है, पहले एहसास पैदा हो अपने अंदर, अपनी गलती का एहसास हो, निदामत भी हो, शर्मिंदगी पर आंसू भी बहे और फिर आप सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, तो अल्लाह ताला फिर वही बात है, आपके इस आने पर आपको ताना नहीं देगा, आपको कहीं रुस्वा भी नहीं करेगा, किसी को इस बात की खबर भी नहीं होने दूंगा, बस वो आपके आने से, पलट कर आने से सत्तार है, खुश होगा और वो आपको माफ कर देगा और आपकी अगली जिंदगी में आपका मददगार भी होगा, मोमिन भी होगा। अल्लाह जहाँ ऐबों को छुपाते हैं वहाँ गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, ये भी खास बात है। आप रमजान में अगर नेक साले बनते हैं, आपको रोजा अगर अल्लाह का कुर्ब दे देता है, आपको ये भूख प्यास जो है, आपने भूख प्यास बर्दाश्त की, झूठ नहीं बोला, गिबत नहीं की, चुगली की, आप अल्लाह के मार्फत वाले रास्ते पर आ गए हैं, अल्लाह की पहचान हो गई है, आप आरिफ बिल्ला बन गए हैं, तो आपको इसके लिए कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह के हो जाए और ये महीना अल्लाह के होने का महीना है। जज़ाकअल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, आखिरी एक सवाल मेरा आपसे, हमें बहुत सारे नाज़रीन की तरफ से एक सवाल मौसूल हुआ, खुसूसन नौजवानों की जानिब से, जिसमें स्कूल कॉलेज के तलबा व तालबात, उनका कहना ये है कि एक जगह कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा सा इसे आप मौजू से मेरे ख्याल में शायद हटके भी सवाल है, लेकिन मैं ज़ाहिर एक फ़ायदेमंद चीज़ है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि इस पर भी आप रोशनी डाल दें, कि बच्चे ये कहते हैं कि हमारे साथ बसा औकात ये होता है कि एक नमाज फ़र्ज़ करें निकल गई, या कोई भी खैर का काम, जोहर की नमाज निकल गई, असर की, या तिलावत नहीं की, अब जब मगरिब के वक्त या किसी और नमाज के टाइम जाने लगे तो अब ये ख्याल आता है कि जोहर की तो पढ़ी नहीं, असर की तो पढ़ी नहीं, अब क्या करें पढ़ने का, अब क्या फ़ायदा पढ़ने का, यानी एक खैर का काम छूट जाए, वो नमाज या कोई दूसरा भी काम हो सकता है, तो उसको बुनियाद बना के, मैं तो इसे शैतानी वसवसा ही कहूँगा, वो अगला काम भी छुड़वा देता है, तो आप ज़रा इसकी वजाहत कर दें कि ये तर्ज अमल आया सही है और अगर गलत है तो इसको दुरुस्त कैसे करें? देखिए, इस्लाम का ना बड़ा खूबसूरत तस्वर है, ये एक बड़ा आसान दीन है, इस ये इंसान को ना मुश्किल में डालने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली और दूसरी वही उतरी तो उसमें आपको कहा कि लोगों को खबरदार करो, इस चीज़ से खबरदार करो कि ये दुनिया आर्जी है और तुमने इसके बाद आखिर की जिंदगी में जाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को भेजते थे ना तबलीग के लिए, तो वो लोगों को ये कहते थे कि तुमने लोगों को जो जाकर तबलीग करनी है उसमें उनको खुशखबरियां सुनानी है, खुशखबरियां सुनानी है, और साथ में एक और लफ्ज कहते हैं कि दीन में आसानी पैदा करनी है, मुश्किलात नहीं पैदा करनी, आसानी, तो ये आसान दीन है, खुशखबरी वाला दीन है। आपसे कोताही हो गई है तो उसका फिर वही तरीका है कि नदामत महसूस हो, शर्मिंदगी आ जाए। हाँ, अच्छा तौबा में भी ये भी एक नक्श है लोगों में, अच्छा। हमारे इससे कोताही होती है, वो एक काम की तौबा करते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर वही काम दोबारा करते हैं। तो अगर आपके जहन में ना दो चीजें, एक बात होनी चाहिए, आपको अगर सवाल जहन में पैदा हो ना मेरी नमाज कबूल हुई है नहीं हुई, अगर तो आप बेहयाई और बुराई के कामों से बच रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आपकी नमाज कबूल हो गई। अच्छा तौबा का भी यह है कि कबूल हुई या नहीं हुई, अगर तो आप दोबारा वो अमल नहीं दोहराते तो इसका मतलब पिछली तौबा कबूल हो गई है। तो अगर दिन में एक काम की तौफीक नहीं हुई और शाम को हो रही है तो आप तौबा करें, नए अज़्म के साथ, नए वलवले के साथ, नए जज्बे के साथ खुदा से रुजू करें, वो आपकी पिछली कोताही को माफ कर देगा, वो आपको ताना नहीं देगा, रुसवाई नहीं देगा, शर्मिंदगी नहीं करेगा, वो आपको कबूल करेगा और खुश होगा कि आप पलट कर आए। अच्छा आप पलट भी रहे तो किसकी तरफ, जो आपका खालिक और मालिक है, जिसके और आपके दरमियान कोई पर्दा है वापस नहीं मुड़ना, तो आप उसी की तरफ जा रहे हैं, आप किसी उस शख्स की तरफ से नहीं जा रहे, और तू फिर आ गए, फिर गलती करके आ गए, अल्लाह तो ऐसा नहीं कहेगा। और शायद कहीं ना कहीं हम रब को भी अपने ये जो दुनिया में मामला देखते हैं सर, बंदों पर ही हम शायद उसे सर मैं कर्ज करूँ मुख्तसर, प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है,
कई प्रोग्राम हो सकते हैं जी, पूरा एक महीना प्रोग्राम करते रहे तो कम है। हमने असल में रब को पहचाना ही नहीं है। रब हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रहा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जब रब हो जाएगा तो फिर हमारा सिलेबस कुरान और हदीस हो जाएगी। हमारी निगाह अपने आइडियल हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर पड़ेगी। हमने असल में चूंकि पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, दीन सीखा नहीं है, दीन पढ़ा नहीं है। हमने अगर मदारिस में भी दीन पढ़ाया जा रहा है वो दीन ही पढ़ाया जा रहा है, मसलक पढ़ाया जा रहा है। हम अगर दीन को पढ़ने वाले बन जाए, सीखने वाले बन जाए, इल्म के मतलाशी बन जाए, खुदा की पहचान हासिल करने वाले बन जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत सी आसानी आ जाए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। नाज़रीन मोहतरम, हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। हमने गुफ्तगू की कि मुत्तकीन के औसाफ क्या हो सकते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। बहुत ही मुदल्लल अंदाज में और बड़ी हसब मामूल बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आसान मिसालों के साथ इस बात को वाज़ह किया। मुझे यकीन है कि मुझ समेत हर सुनने वाले के दिलो दिमाग में यह अज़्म पैदा हुआ होगा कि हम आज से नहीं बल्कि अभी से खैर के इस रस्ते पर पूरे अज़्म के साथ एक नया सफ़र शुरू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इफ्तार का वक्त है, मैं ख्वाजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करें। आइए हम उनके साथ मिलकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं अपनी झोलियाँ फैलाकर और गर्दनें झुकाकर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आमीन, सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैर मग़ज़ूबि अलैहिम वलाज़्ज़ालीन। ऐ हमारे रब, हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। आमीन। अल्लाह ताला हम आपसे तौबा करते हैं, माफ़ी तलब करते हैं। हमसे जो गुस्ताखियाँ हुई, जो कमियाँ रह गईं, कजियाँ रह गईं, खामियाँ रह गईं, कोताहियाँ सरजद हुई, अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दे। आमीन। अल्लाह हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह हमारे वालदैन जो इस दुनिया से रुखसत कर गए उन्हें बख्श दें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। या अल्लाह जो हमारे बहन भाई हमारे अजीज व अकारिब जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें खैर पर जिंदा रख, भलाई के साथ जिंदा रख। अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ, खुशियाँ, इज्जतें, राहतें, आफियतें नसीब फरमा। अल्लाह तू मेहरबान रब है, हमेशा इंसानों पर अपनी मखलूक पर करम करने वाला है। अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमा। अल्लाह ताला हमें अच्छी बेहतरीन जिंदगी अता फरमा, और हम तो इससे बेहतरीन अच्छी आखरत का सवाल करते हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Thank you.